सो हे एवरी वन, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो गाइस एक और न्यू वीडियो के साथ हम आ चुके हैं, जिसमें आप लोग को बताएंगे कि आप लोग का क्लास टेंथ का सेशन 22-23 का सिलेबस कब आएगा और अभी तक क्यों नहीं आया। तो यस गाइस, जैसे कि आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आप लोग का सिलेबस 15 या 16 अप्रैल को आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। तो गाइस आपको बता दें, अभी तक आप स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें, क्योंकि आपको पता है कि CBSE की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे ही मिलता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे हिट करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि CBSE का सिलेबस कब तक आएगा। सो गाइस CBSE के कुछ सोशल मीडिया और हैंडल से ये पता चल रहा है कि CBSE का जो सिलेबस है सो मंडे तक आ जाएगा। मतलब आज सैटरडे और सैटरडे को अभी तक सिलेबस नहीं है, इट मीन्स कि आज सिलेबस नहीं आएगा और संडे को कोई भी सिलेबस का अपडेट CBSE नहीं देगा, क्योंकि संडे है। और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि मंडे तक, मतलब मंडे को हो सकता है कि आपका सिलेबस CBSE अपलोड कर दे। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन CBSE के कुछ हैंडल से यही पता चल रहा है कि आपका सिलेबस मंडे को अपलोड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी टेंथ का एग्जामिनेशन का चलने वाले हैं, इसलिए CBSE से कुछ टाइम ले रहा है। तो गाइस यही CBSE का एक अपडेट है जो कि आपका सिलेबस मंडे तक आ जाएगा। और गाइस आपको बता दें कि ये सिलेबस आपको कैसे चेक करना है, अगर आएगा तो उसका सिलेबस चेक करने का क्या वेबसाइट है। तो गाइस चलिए वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में, जो कि स्टूडेंट में काफी जल्दी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कोर्स हो या JEE, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन 3 स्टेप्स में। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें, सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि ये हमारा रेफरल कोड है SWT001। इसका यूज करके आप ऐप में 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड। गाइस चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आपको बताते हैं कि अगर CBSE सिलेबस अपलोड कर देगा तो वो सिलेबस आपको कैसे एक्सेस करना है। तो गाइस जैसे कि आपको बताते हैं कि मतलब कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियोज देखने लगते हो। तो गाइस उतना सारा वीडियोज देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप अपने मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हो कि आपका सिलेबस टेंथ का सेशन 22-23 का क्लास टेंथ और 12th का आया है या फिर नहीं। तो गाइस सिंपली आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर cbse.com.nic.gov आपको सर्च कर लेना है। और गाइस सबसे पहला वेबसाइट CBSE ऑफिशियल का हैगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अपना पूरा CBSE का जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है आप वहां पे चेक कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत सारे वीडियोस के पीछे आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा। सिंपली गाइस आप लोग वहां पे सर्च करके आप वेब पेज से अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइस आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और गाइस आपको एक और बात बता दें कि आप CBSE का ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि CBSE कोई भी अपडेट ट्विटर पर बहुत जल्दी दे देता है, क्योंकि वो ट्विटर पर बहुत एक्टिव होता है CBSE। तो गाइस ट्विटर को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो CBSE का। सो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे हिट कर दीजिए। और बहुत सारे ऑलरेडी हम अपने चैनल पे वीडियोस बना चुके हैं, तो आप लोग वीडियोस नहीं देखे हो चैनल पर जाकर प्लीज वॉच कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ।